हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बैकनेक डिजाइन वाला सूट का स्टिचिंग करने वाले हैं। तो ये हमारा आगे का गला पट्टी है, इसे हम साइड से थोड़ा थोड़ा कोरी मोड़ कर सिल लेंगे। अब इस गला पट्टी को हम गले के ऊपर रखकर इस तरह से सिलाई चला लेंगे। अभी सिलाई के अंदर से थोड़ा थोड़ा सा कट लगा लेंगे। और अब इसके ऊपर एक सिलाई चला देंगे ताकि गला हमारा अच्छे से बैठ जाए। और अब पीछे वाले गला पट्टी को लेंगे और थोड़ा थोड़ा कोरी मोड़ देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने मोड़ लिया है। पीछे वाले पल्ले पर अब गला पट्टी को इस तरह से रख देंगे और इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई चलाएंगे। यहाँ पे हमें रोक कर और फिर से गोल करके सिलाई चला देनी है। ये देखिए, यहाँ पे लाकर सिलाई हमारा रोक देना है और फिर पीछे से उठाकर और इस तरीके से पीछे के लिए हमने एक डोरी को लगाया है इस तरीके से। और इसके ऊपर से फिर सिलाई चला देना है। ये देखिए, अभी से हमें सीधा करना है। छोटा छोटा कट लगा देना है सिलाई के अंदर। इसे पलट कर और इसके ऊपर सिलाई चलाना है। यहाँ पर रोक कर और फिर उठाकर फिर इधर से सिलाई चलाना है। यहाँ पे रोकना है और यहाँ से उठाकर फिर से सिलाई चलाना है। और ये
देखिए हमारा पीछे का डिज़ाइन बन चुका है और अभी सो बटन को हमने इस पे टांग दिया है। ये हमारा पीछे का डिज़ाइन तैयार है। आगे वाले पल्ले को नीचे रखकर और पीछे वाले पल्ले को ऊपर रखकर इस तरीके से सिलाई चला लेंगे। इस पे एक डबल सिलाई चला देंगे। और अब दूसरे वाले शोल्डर पे हम इस तरीके से अच्छे से रखकर और एक सिलाई चला देंगे। और अब एक और सिलाई इस पर चला लेंगे। ये देखिए हमने सीधा किया है तो इस तरीके से दिख रहा है। और अब बाजू के लिए हम एक इंच चौड़ा मुड़कर एक सिलाई चलाना स्टार्ट करेंगे। और इस तरीके से चलाते जाएंगे। और अब दूसरे बाजू को भी हम इसी तरह से मोड़कर और इसके बगल से एक सिलाई चलाएंगे। और अब इसे पलटकर ऊपर से एक सिलाई बगल से चला लेंगे। इस बाजू पे भी हमने चला लिया है और अब बाजू पे ऐसे रखकर और नाप कर इस पे एक सिलाई चलाएंगे। इस पर एक और सिलाई चला देंगे। दूसरे बाजू को भी हमने इसी तरह कर लिया था। और अभी से इस बाजू से नाप कर और सीधा इस तरीके से नीचे से पकड़ कर अच्छे से और सिलाई चलाना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे अब कमर के पास लाकर रोक देना है और कपड़े को उठाकर और फिर इस तरीके से बगल से एक सिलाई चलाना है। अब उसी तरीके से हमें इस साइड भी 1.5 इंच कपड़ा छोड़कर चला लेना है। और अब आगे वाले पल्ले को 1.5 इंच मोड़कर बगल से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। और इसे सीधे तरीके से मोड़कर इसे अच्छे से सिलाई चलाते जाएंगे। यहाँ पर लाकर इसे सिलाई रोक देंगे यहाँ पे और कपड़े को घुमाकर और इधर से एक सिलाई चलाएंगे। हल्का छोटा सा सिलाई चला लेना है। कपड़े को मोड़कर अब पीछे वाले पल्ले को हम नीचे की तरफ चलाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम अच्छे से मोड़कर और सीधा चलाते जाएंगे। अब दूसरे साइड भी हम उसी तरीके से 1 इंच मोड़ लेंगे और सिलाई चलाएंगे। और अब आगे वाले पल्ले पे हम लेस लगाएंगे। सिलाई चलाते जाना है। इधर से मोड़कर सिलाई चला देना है।
अब लेस के नीचे की तरफ सिलाई चला देना है और अब पीछे वाले पल्ले को थोड़ा सा मोड़कर और एक सिलाई चलाना है। अब इसके बगल से एक सिलाई डबल सिलाई चलाना है। यहाँ पे लाकर सिलाई रोक देना है और फिर कपड़े को उठाकर इधर से घुमाकर और एक और सिलाई चलाना है नीचे की ओर। ये हमारा सूट सिल के तैयार है बैक नेक डिजाइन वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।